एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। मुझे नहीं पता मैं फ्रेम में आ रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये दो चीज़ें आपके फ्रेम में जरूर आ रही होंगी। आप देख सकते हैं हमारे पास ये कॉलम आ चुका है 12 इंची में, और उसके साथ ही इसके साथ जो स्पीकर आते हैं वो भी मैं लेकर के आ चुका हूँ। ये दोनों अलग अलग लिए हुए हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग दुकान से लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो कॉलम है हम साउंड टेस्टिंग में यूज करने वाले हैं। सो फाइनली आज की वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और जो आगे आने वाली वीडियो होगी उसके अंदर हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके, तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं आप लोगों के सामने। तो फटाफट से मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको इसलिए नहीं खोला क्योंकि आपके सामने खोल के मुझे देखना था। मैंने भी इसे अभी तक खोल के नहीं देखा है, ये पूरा कार्टून के अंदर ही है। ओके, तो चलिए इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और इसके कार्टून को हटाते हैं और देखते हैं कि इसका जो साइज है वो कितना बड़ा है और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये देख सकते हैं, ये आपके सामने पूरा मैंने इसे अनबॉक्स कर दिया है। ओके, और दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा जो कैबिनेट है वो हमें देखने को मिलता है। सो ये देख सकते हैं पूरा अच्छी क्वालिटी में है और बिल्कुल एकदम मजबूत है। इसका प्राइस वीडियो के एंड में बताऊंगा कितना पड़ेगा। आप लोगों को मंगवाना है तो आप लोग मंगवा सकते हैं अगर दिल्ली से हैं तो। ओके, बाकी ये जो है डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा भारी है। आप देख सकते हैं इसका वेट लगभग 25 kg के आसपास तो होगा ही होगा। ओके, ये इसकी ग्रिल है, ग्रिल के अंदर हमारे स्पीकर फिट होंगे। ओके, और ग्रिल के अंदर भी यहाँ पे कुछ लगा हुआ है जिससे कि अंदर का कुछ भी पोर्शन जो है वो दिख नहीं रहा है। ओके, पता नहीं वीडियो में पूरा फ्रेम आ रहा है या नहीं आ रहा, बट फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इतने हाइट पे मैंने कैमरा रखा है उसके बाद भी ये पूरा कॉलम आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम जो है इसका साउंड टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर से क्वालिटी हमें कैसी मिल रही है। ओके, चलिए ये तो हमारा अनबॉक्स हो गया है। ओके, बाकी ये जो ग्रिल है जब हम स्पीकर को इसके अंदर फिट करेंगे तब इसको खोलेंगे। बाकी फिलहाल से आप इसका बाहर से लुक देख सकते हैं कैसा इसके अंदर लुक आ रहा है। साइड से आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे हैंडल दिए हुए हैं जहाँ पे इसको पकड़ने के लिए आसानी हो जाती है। पीछे अगर दिखाओ तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे माइक के जो कनेक्टर्स होते हैं, सॉरी जो स्पीकर के कनेक्टर्स होते हैं वो लगने वाली प्लेट है। ओके, तो वो कनेक्टर्स में दिए नहीं है, वो हमें खुद लगाने पड़ेंगे और उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था तो वो भी लाना पड़ेगा। बाकी अब जो है हम स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं और अपने स्पीकर की अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों ये जो स्पीकर है ये साउंड मास्टर कंपनी की तरफ से है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ देख सकते हैं साउंड मास्टर इनका ब्रांड नेम है, और स्पीकर कैसे हैं वो देखते हैं। 12 इंची के अंदर ये स्पीकर है। ओके, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो इसका मैग्नेट साइज है 135x20 इसका मैग्नेट साइज है। तो इसे अनबॉक्स करते हैं, कैमरे को थोड़ा सा पास ले आता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास स्पीकर है, चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे दो पीस मैं लेकर के आया हूँ तो इसको भी हम यहाँ से अनबॉक्स कर लेंगे। और सबसे पहले एक जो ऊपर वाला है उसे ओपन करके देखते हैं ये सीधा है उल्टा ये भी देख लिया जाए। सो ये सीधा है तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज की वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मैं नॉर्मल स्पीकर में भी कर सकता था बट आप लोगों को साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए थी इस वजह से मैंने इतना ये जो है खर्चा किया है। ओके, तो प्लीज़ इसके लिए वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ये मैं सेल करने के लिए नहीं लाया हूँ, जस्ट अपने यूज़ के लिए लेकर के आया हूँ। ओके, क्योंकि इतना बड़ा सामान कुरियर करवाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, अगर आपको स्पीकर चाहिए तो स्पीकर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। वीडियो के एंड में दोनों का प्राइस बताऊंगा कितने रुपए का पड़ने वाला है। ओके, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमें पैकिंग मिलती है देखने को, और ये हमारा स्पीकर है। इसका मैग्नेट का साइज ये है, चलिए इसके रैपर से इसको निकालते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं चलिए इसके रैपर से इसको निकालते हैं। तो ये हमारा रैपर निकल गया और ये हमारा स्पीकर है। तो ये देख सकते हैं पूरा डीजे वाले कॉन में है इसका स्पीकर, और यहाँ पे आप इसका मैग्नेट साइज देख सकते हैं। ओके, 150 वाट ये आपका स्पीकर है। ओके, और यहाँ पे नॉर्मल 100 वाट में है, मैक्स 150 वाट है, और बाकी जो भी डिटेल है वो इसके ऊपर मेंशन है। ओके, साउंड मास्टर इनका ब्रांड नेम है और इसके ऊपर ज़्यादा कोई डिटेल मेंशन नहीं है। और ये कुछ इस तरीके का हमारा स्पीकर है। इसकी ओम्स की बात करें तो इसका जो ओम्स है इसके ऊपर मेंशन नहीं है दोस्तों। सो हाँ, यहाँ पे ओम मेंशन नहीं है, वोल्टेज मेंशन है, ये 8 ओम के अंदर है। अभी हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कितना ओम का हमारा ये जो है स्पीकर है। तो इससे मैं मल्टीमीटर को सेट करता हूँ ओम्स मोड में और चेक करते हैं कि कितने ओम्स का ये हमारा स्पीकर है। ओके, चलिए चेक करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे 7.5 दिखा रहा है,
तो 8 ओम का ये हमारा स्पीकर है। अगर इसे हम दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये 4 ओम हो जाता है, तो हम पैरेलल में चलाएंगे। ओके, तो चलिए दूसरा भी अनबॉक्स करके दिखाई देता हूँ। जब फर्स्ट हमने अनबॉक्स कर लिया है तो दूसरा भी अनबॉक्स करते हैं, और साउंड टेस्टिंग वीडियो भी जल्दी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए इसे भी जो है अनबॉक्स कर लेते हैं। ओके, प्राइस के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि प्राइस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा बता दूंगा कितने रुपए का आपको पड़ने वाला है। ओके, तो चलिए इसे भी खोल लेते हैं। यहाँ पे ये इसे भी हमने खोल लिया, ठीक है। ये देखिए, ये भी हमारा सेम पैकिंग में है। ओके, चलिए इसको यहाँ से निकालते हैं जरा। तो गाइस, ये हमारा दूसरा स्पीकर है, सेम क्वालिटी है। ओके, डुअल कोन में है, डीजे कोन में है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इनकी ब्रांडिंग हो रखी है। सेम दोनों स्पीकर सेम है। ओके, कुछ भी फ़र्क नहीं है। टेस्टिंग वीडियो चैनल पर जल्दी आएगी, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। आप देख सकते हैं फोन की क्वालिटी भी एकदम ज़बरदस्त है। बाकी इसकी साउंड कैसी है उसके लिए तो वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका साउंड को पता लग ही जाएगा आप लोगों को। ओके, तो आप एक बार क्लोजली लुक देख लेते हैं पूरे सामानों का जो हमने मंगवाया है। दोस्तों देखिए, पास से अगर मैं दिखाऊँ तो कैबिनेट की क्वालिटी आप देख सकते हैं, दानेदार पेंट इसके ऊपर हो रखा है। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हैंडल है। ओके, बैक पैनल से अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे ये ऑडियो के जो भी यहाँ पे आपके ऑडियो के जो सॉकेट होते हैं वो लगेंगे। ओके, फ्रंट से देखिए दोस्तों, JBL की कॉपी है। ओके, सो यहाँ पे आप अपना लोगो लगवा सकते हैं, लगवाना चाहते हैं तो। और ये इसकी ग्रिल है, ग्रिल के अंदर भी कुछ लगा हुआ है। ओके, तो ये हमारा डीजे कुछ उस तरीके से है। ओके, चलिए जो स्पीकर्स हैं उनको भी दिखाऊँ मैं आप लोगों को। तो ये हमारे स्पीकर्स हैं, देख सकते हैं ना, तो ये कुछ इस तरीके से फ्रंट से आप देख सकते हैं। बैक से भी दिखाता हूँ मैं आपको, हाथ पिटने का डर है यार। हाँ, तो ये हमारा बैक से इसका लुक है, बिल्कुल क्लोज लुक आप देख सकते हैं। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी तो आपको बाद में पता लग ही जाएगी कैसी है। दोस्तों अगर बात करें इनके प्राइस की, तो जो कॉलम का प्राइस है वो लगभग 3000 रुपए के आसपास मुझे पड़ा है, और पर स्पीकर प्राइस मुझे 1200 रुपए पड़ा है। तो दो स्पीकर का प्राइस हमारा 2400 रुपए हो गया, और एक कॉलम का प्राइस 3000 रुपए हो गया। तो लगभग जो टोटल खर्चा हुआ है वो 5400 रुपए के आसपास हुआ है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके नीचे जरूर बताना। आपको स्पीकर्स और जो इसका कैबिनेट है वो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे गिव अवे चल रहा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, जल्दी से जाकर के देखना और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।